आज हम आपके लिए राइस की एक बेहतरीन रेसिपी लेकर आए हैं। राइस बच्चों बड़ों सभी के द्वारा पसंद की जाने वाली रेसिपी है। आज हम आपको सिखाएंगे बिल्कुल आसान तरीके से जीरा राइस हलवाई के द्वारा। हलवाई शादियों पार्टियों में जीरा राइस किस प्रकार बनाते हैं, जानेंगे सभी टिप्स एंड ट्रिक्स। बस वीडियो को लास्ट तक देखें और सभी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्पाइसी हेल्दी फूड चैनल। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ही घंटी का बटन भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ ही मिल जाए। वीडियो को सब्सक्राइब दोस्तों अभी कर लीजिए, बाद में आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। आगे भी हम बहुत ही बेहतरीन रेसिपीज लेकर आने वाले हैं, आपको बहुत ही पसंद आएगी दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी बनाना जीरा राइस हलवाई स्टाइल में। जीरा राइस बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है पानी, इसे हम गर्म कर लेंगे और इसी में डाल देंगे थोड़े से मटर के दाने। जीरा राइस सभी के द्वारा पसंद की जाने वाली रेसिपी होती है दोस्तों, और यहीं पर लिया है डबल चाबी वाला सैला चावल। चावल की क्वालिटी जो है बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, तभी हमारे चावल खिले खिले बनेंगे, वरना चावल टूट जाएंगे। जीरा राइस बनाने के लिए हमें इसी प्रकार के चावल की आवश्यकता होती है, जो कि डबल चाबी का लंबा चावल होना चाहिए। इसी के साथ जीरा जाएगा। हम बनाने वाले हैं जीरा राइस, तो जीरा तो डालना बनता है। इसी के साथ नमक स्वाद अनुसार जाएगा और इसको चलाते रहेंगे जब तक कि हमारे चावल पक ना जाए। हम यहाँ पर 90% चावल अपने पकाने वाले हैं, हमें इनको पूरा नहीं गलाना है, नहीं तो हमारे चावल चिपकने लगेंगे। चलाते रहेंगे इसको, ये देखिए और इसी के साथ इसमें ऐड करेंगे घी। घी डालने से ये बेनिफिट होता है दोस्तों कि हमारे जो चावल हैं वो चिपकेंगे नहीं, बिल्कुल ही खिले खिले बनेंगे, जैसे कि हम शादियों में खाते हैं, पार्टियों में खाते हैं। बिल्कुल बेहतरीन चावल हमारा बनकर तैयार होगा। चलाते रहेंगे इसको ताकि चावल नीचे लग ना जाए। चावल ने उबाल लेना शुरू कर दिया है। अगर आप भी इस रेसिपी से बनाकर खाओगे चावल तो बहुत ही बेहतरीन चावल हमारे बनकर तैयार होंगे। बहुत ही सिंपल रेसिपी है दोस्तों, कुछ करना नहीं है हमें इसमें। यहीं पर इसमें थोड़ा सा रंग काट डाला गया है। रंग काट हलवाई लोग इसलिए डालते हैं कि जो चावल है उसका कलर अच्छा आए। आप इसे डालना चाहे डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप कर दीजिए। ये देखिए उबलना शुरू कर दिया है चावल ने। चलाते रहेंगे ताकि नीचे चावल जल ना जाए। उठाकर चेक करेंगे कि चावल पके हैं या नहीं, अभी थोड़ा और पकना है चावल को। चलाते रहेंगे इसी तरह से। हमारे चावल जो है लगभग बनकर तैयार हो चुके हैं। आप इसके अंदर कोई भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं जो आपको अच्छी लगे। हमने यहाँ पर सिर्फ इसमें मटर के दाने ही यूज किए हैं, आपको जो अच्छा लगे आप ऐड कर सकते हैं, बेहतरीन टेस्ट देगा चावल के साथ सब्जी। यहाँ पर पानी की मात्रा
ज़्यादा होनी चाहिए। चावल हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं, अभी हम इनका सारा पानी निकाल लेंगे। ये देखिए कितने बेहतरीन चावल हमारे बनकर तैयार हुए हैं, बिल्कुल खिले खिले चावल हमारे बनकर तैयार हुए हैं। ये देखिए बिल्कुल एक एक दाना अलग अलग है चावल का, और खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे। आप भी इस रेसिपी के अनुसार एक बार बनाकर ज़रूर खाइए, और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके चावल कैसे बने। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हो तो आप सुझाव भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है दोस्तों। और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी सभी वीडियो को बहुत प्यार दिया है। ये देखिए सभी चावल को हम इसी तरह से निकाल लेंगे। अगर हमारा पानी यहाँ पर कम होगा तो चावल जो है आपस में चिपक जाएंगे, अच्छी तरह से ड्रेन आउट नहीं होंगे। ये देखिए कितने बेहतरीन चावल हमारे बनकर तैयार हुए हैं। सभी को इसी तरह से हम निकाल लेंगे। देखने से ही बहुत अच्छे लग रहे हैं चावल। ये देखिए आप इस पे थोड़ा सा कटा हुआ धनिया भी डाल सकते हैं, हमारे पास अवेलेबल नहीं था। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अपनी किसी और नई रेसिपी के साथ, किसी और नई डिश के साथ।